तो यार पहले डलवा लेते पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल बहुत कम है। ऐसा क्या हो गया कि मैं मतलब वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया था? तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो तो सबसे पहले तो जो इस लोग इस वीडियो में नए हैं उन सबको मैं बता दूं कि मेरा नाम सौरभ राणा है और मैं जम्मू कश्मीर से हूं। और इस चैनल में मैं अपने लाइफ से जुड़ी चीज़ें आप तक शेयर करता हूं। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब का बटन तो सबसे पहले दबाइए ताकि आपको मेरी हर अपडेट मिलती रहे। और अब जो पुराने मेरे पुराने लोग हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और यार आप लोगों को, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड किया, उसके पीछे स्पेसिफिक कोई रीज़न था, ठीक है, आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और वैसे भी मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि मैं आपको अपना लाइफ अपडेट दे सकूं। तो चलो, आज संडे है और अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, ठीक है। और तो अभी आगे बताते हैं आज पूरा दिन में क्या होता है। और आप वीडियो के आगे बताऊँगा आपको कि ऐसा क्या हो गया कि मैं मतलब वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया था। तो चलो आगे मिलते हैं। यार एक हेल्थी डे के लिए हमें कुछ अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, तो उसके लिए मैंने अपना ग्रीन टी प्रिपेयर कर लिया है। तो आप जल्दी से इसको पी के रेडी होते हैं ऑफिस के लिए। तो यार बाइक हो गई अपनी वार्म अप, तो अब चलते हैं ऑफिस के लिए। आजकल ना जम्मू का मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है दोस्तों, 3-4 दिन हो गए बारिश हो रही है। तो ऐसा ही मौसम रहे तो यार ड्राइव करने में मज़ा भी आता है। तो यार पहले डलवा लेते पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल बहुत कम है मेरी बाइक में। पेट्रोल डलवाएंगे पहले। तो अभी पहुंच चुके हैं हम ऑफिस में दोस्तों। तो अब ऊपर वाले का नाम लेके करते हैं अपना काम स्टार्ट। और सबसे पहले तो हम यार दिन का शुरुआत करेंगे अपने फिर से इस चाय से, देन चाय ख़त्म करके अपना काम करते हैं और उसके बाद फिर आज का बाकी के प्रोग्राम देखते हैं। तो अभी बज रहे शाम के 5 और अभी मैं थोड़ा ब्रेक लेकर टेरिस में आया हुआ था। तो वैसे तो यार आज खाली नाम का संडे लग नहीं रहा मुझे संडे से, क्योंकि आज इतना काम है ना। तो वैसे भी यार हम लोगों की ज़िंदगी में संडे होता ही नहीं है यार। वैसे यार आज का मौसम बड़ा अच्छा है, देखो कितना अच्छा मौसम बना हुआ है। तो धीरे धीरे ये कि अब गर्मियाँ जा रही हैं, सूरज भी देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और जैसे आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे ना पतंग वगैरह उड़ रही है। हमें हमारे जम्मू में क्या होता है, राखी और जन्माष्टमी में पतंग उड़ाई जाती है, जैसे बाकी जगहों में बैसाखी में उड़ाते ना, जम्मू में जो है राखी में उड़ाया जाता है। तो यार बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो सरप्राइज़ मैंने देना है वो मैं जल्द ही दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं सरप्राइज़ आपको घर में जाके दूंगा, क्योंकि अभी ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सारा काम के बाद हम लोग ये काम करेंगे। तो जैसे घर पहुँचूँगा उसके मैं आपको सरप्राइज़ दूँगा और बताऊँगा कि मैं क्यों ब्लॉग नहीं डाल रहा था। काफ़ी लोगों को पता होगा, बट कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर उनको नहीं पता था कि मैं क्यों नहीं बना पा रहा था वीडियो। तो मैं पहुँच के आपको घर में बताऊँगा कि मैं वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहा था। तो अभी मैं हूँ घर में और टाइम हो चुका है रात के 10, और मैं 9 बजे आ गया था वैसे तो काम से। तो उसके बाद डिनर विनर करते थोड़ा टाइम लग गया। तो यार आज का दिन इतना थकावट भरा था ना, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब कहीं से मुझे लग नहीं रहा था कि आज संडे, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था, कुछ काम पेंडिंग थे, कुछ मेरे अभी के रिसेंटली के काम थे। तो चलो पहले वैसे काम करना ज़रूरी है, ठीक है, और वैसे भी मेरे लिए पहला मेरा काम प्रायोरिटी रहता है, आप जैसे आप लोगों को पता ही है। तो चलो काम वाम होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। तो दोस्तों यार अब मैं आपको पॉइंट में आते हैं, ठीक है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। मतलब मैं एक पिछले कुछ महीनों से वीडियोस नहीं बना रहा था, क्या रीज़न था, क्या ऐसा इशू था, मतलब मेरे को काफ़ी लोगों के DM भी आए थे और वो मुझे पूछ रहे थे कि मतलब मैं वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहा। तो मैंने सोचा था चलो एक बार मैं इसके लिए मतलब एक वीडियो बना दूंगा और एक साथ सभी को बता दूंगा कि मतलब एक्चुअली में क्या अपडेट है मेरी लाइफ का। तो यार चलो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्या रीज़न था कि मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। रीज़न नहीं बोल सकते, वैसे तो वो सरप्राइज़ ही है, मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, आपके लिए भी एक सरप्राइज़ ही है, ठीक है। तो वो सरप्राइज़ मैं अब आपके सामने रिवील करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब जादू में करने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वो सरप्राइज़ जो है वो मतलब मैं रिवील करने वाला हूँ, इस पर्दे के पीछे है वो, ठीक है।
तो गैस करो कि सरप्राइज़ क्या होगा। ठीक है, कमेंट में आप प्लीज़ बताइए, मुझे अपने कमेंट में डालें कि आप लोगों ने क्या क्या, मतलब आप लोग क्या क्या सोच रहे हैं, ठीक है, कि सरप्राइज़ में क्या होगा जो इस पर्दे के पीछे है। ठीक है, तो चलो बात साथ नहीं करते और सरप्राइज़ रिवील करते हैं। तो दोस्तों वो सरप्राइज़ है ये। तो हाँ दोस्तों, यही है सरप्राइज़। तो मतलब पिछले कुछ दिनों से जो मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, उसका यही कारण था कि आपका भाई अब शादीशुदा इंसान है। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ज़िंदगी में सरप्राइज़ ही होती है, जो सरप्राइज़ मिलता है, तो ये भी एक सरप्राइज़ है। ठीक है, वैसे काफ़ी, मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि मतलब मैं वीडियोज़ में कुछ हिंट देता हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं दे रहा था पर मैं रिवील नहीं कर रहा था, और कुछ ऐसे रीज़न्स थे कि मैं रिवील नहीं कर रहा था और मैं करना नहीं चाहता था। तो वो यही हिंट था, जो जो लोग समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो यही हिंट था कि मैं काफ़ी वीडियोस में कहता था कि कोई इंसान आने वाला है, आगे जाके कोई नया इंसान आपके, मतलब मेरे ब्लॉग में दिखने वाला है, तो वो यही इंसान थे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इनका नाम शिवानी है। ठीक है, और अब ये ऑफिशियली मेरी धर्म पत्नी है, और मैं इनका धर्म पति पिता पति पति हूँ, ये पत्नी है। ठीक है, तो इनके बारे में वैसे तो ज़्यादा क्या बताना, वो किसी दिन बैठ के हम अपनी पूरी स्टोरी आपसे शेयर ज़रूर करेंगे, और मतलब धीरे धीरे पता लग जाएगा आपको भी कि ये शिवानी के बारे में। तो हाँ, तो यही कारण था कि मतलब मैं शादी में बिज़ी था, और एक दो महीने कैसे बीत गए इनके साथ पता नहीं लगा, क्योंकि हर एक दिन नया एक्सपीरियंस है, हर एक दिन नया हमारे लिए चैलेंज लेके आता है, और काफ़ी अच्छा कट रहा लाइफ, बहुत मज़े आ रहे हैं। ठीक है, वैसे लोग बोलते हैं ना कि अभी नई नई शादी है तो मज़े आएंगे, बाद में पता लगेगा, तो मे भी हो सकता है, बट हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब प्यार से ज़्यादा जब चैलेंज आता है तो हमें फिर बहुत मज़ा आता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब वो चैलेंज ख़त्म होता है और जब हम लोग उस चीज़ को फेस करके आपस में मिल के बात करते हैं ना, तो फिर अच्छा लगता है। मतलब प्यार से भी ज़्यादा उस टाइम ज़्यादा फील आता है कि यार हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो बस कुछ ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में घट रही थी, इसकी वजह से ना वीडियोस बन रहे थे ना कुछ, और वैसे भी मैं तो कैमरा शाय था ही था, ये भी कैमरा शाय है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो मैं डाल दूंगा, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और इनको ज़्यादा जानना हो तो आप इनके इंस्टाग्राम में इनको फॉलो करके जान सकते हैं। तो दोस्तों यही थे सरप्राइज़। ठीक है, तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बिकॉज कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज उसके लिए पर्टिकुलर हमें एक वीडियो बनानी है, और अभी बता दूंगा तो वो वीडियो का तो फन ही रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस ब्लॉग को फिलहाल करते हैं यहीं पे एंड, और जाने से पहले कमेंट में ज़रूर मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ लिखना मत भूले, बिकॉज अब आपका भाई जो है वो शादीशुदा इंसान हो चुका है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरी शादी का इंतज़ार था, और सी तो हो चुकी है अब। तो ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ को अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और कमेंट में कमेंट करना लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आज काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना, तो इसलिए मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, तो बट चलो कोई नहीं, अब से वैसे भी हम कोशिश करेंगे डेली ब्लॉग डालने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारे अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।